हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास ट्वेल्थ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट नंबर 13, ट्वेल्थ के बाद टू बी कंटिन्यू 13th। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है और चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार की होती है। और आज हम विस्तार पूर्वक यानी बहुत डिटेल में जाने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मेरे ख्याल से इस टॉपिक से 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, 2 या 3, आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेकिन आज स्टार्ट जरूर होगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाओ भाई और मिल जाएंगे आपको लेक्चर नंबर 13, लीनियर चार्ज डेंसिटी। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं पिछले वीडियो का। तो मैंने कहा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, और मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी यह बताता है कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई हमारे पास शेप किसी फील्ड के अंदर। और लीनियर मतलब कि वो ऑब्जेक्ट किसी लीनियरली यानी लेंथ पर फैला हुआ है, यानी इसको बोलते थे चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसको डिनोट करते थे हम लैम्डा से, जिसकी वैल्यू होती थी चार्ज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। यह सबके लिए यूनिट चार्ज के लिए सेम होता था, यानी एक यूनिट में अगर क्यू बाय एल है तो एक्स यूनिट में कितनी होगी, तो x यूनिट में q बाय एल इंटू एक्स, ये खेल था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत पतली सी रॉड है। पतली सी रॉड मतलब वायर समझ सकते हो, जिसका एरिया नियरली इक्वल टू 0 है, क्योंकि मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पूरी लेंथ में। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये एक बहुत पतली सी रॉड है, दिख आपको मोटी रही होगी, क्षमा चाहूंगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे बनाना पड़ रहा है कि इस पूरी लेंथ पर मैंने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसी को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे सवाल भी बहुत भयंकर बनते हैं, इसलिए बिल्कुल वीडियो को, लेक्चर को एंड तक देखना। और इस चार्ज पर यूनिट लेंथ का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, कूलाम पर मीटर। तो मैंने मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज को प्लस माना, अब हो सकता है कि माइनस क्यू चार्ज को मैं फैला दूं, तो इसमें बिल्कुल डरना मत कि प्लस क्यों ही फैला रहे हैं सर, एक्चुअली मैं माइनस क्यू भी फैला सकता हूं। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस यही है कि उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट हो जाएगा, बस इतना सा चेंज है, बस कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या करा, इस पूरे पर्टिकुलर चार्ज को फैला दिया पूरी लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी थी सर, उसकी लेंथ थी एल। अभी आएगा मजा, आएगा। अब माना कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसकी एक्सिस पर, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन, आप बोलते हैं ना लाइन पर ही चाहिए इसकी। तो मैंने माना कि भैया इसको ए डिस्टेंस दूर पर मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा क्या था, क्यू नॉट को उठा के लाओ, टोटल कितना फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये पता था, यूनिट क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E is equal to K total charge Q by कितना A square। गलत, वो फॉर्मूला केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए था। अब जो खेल है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरी लेंथ पर, तो मैं नहीं कह सकता इस पूरे को मैं Q मान लूं और इसको पॉइंट चार्ज मान लूं, ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ L। अब क्या करें सर, अब आएगा फंडा, देखो क्या इंटीग्रेशन आएगा। और हाँ, इंटीग्रेशन को मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ अभी, तो इंटीग्रेशन को जिसको भी वीडियो चाहिए वो मुझे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दे, आई एम होपिंग कि तुम्हें इंटीग्रेशन आ रहा है। हाँ, मुझे पता है, मैंने लेक्चर नंबर 7 और 6 में बोला था कि मैं इंटीग्रेशन का वीडियो डालूंगा, लेकिन फुर्सत नहीं मिल पा रही थी इसलिए। लेकिन अगर चाहिए, वाकई बहुत ज़रूरत है कि नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, इतना भी नहीं आता कि फिजिक्स के सॉल्व कर ले, डाल दो, कोशिश करेंगे अपन लगाने की। अब देखो क्या है कि यहां पर एक मैं छोटी सी स्ट्रिप काटूंगा, बिल्कुल चुन्नू सी, एकदम छुटकी सी। जब मैं छोटी सी स्ट्रिप काटूंगा तो इस स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी dx। इस पर्टिकुलर इस छोटी सी स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी dx।
छोटी सी, तो इस पर चार्ज कितना होगा? सर ऑब्वियसली डी क्यू चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज है, बिल्कुल वेरी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्यू टेंस टू जीरो, तो डी क्यू की वैल्यू भी लगभग लगभग लेकिन छोटा सा होता है। अच्छा सर बहुत बढ़िया, इस पर चार्ज कितना? डी क्यू, बहुत बढ़िया। अच्छा इसकी लेंथ जो थी इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, वो कितनी होगी? एक्स मान लो, अबे मान लो ना, दिक्कत क्या है, मान लो अभी पूरा क्वेश्चन है, सॉल्व कर देंगे पुनित सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बताओ कि ये डी क्यू चार्ज एक छोटा सा चार्ज होगा? हाँ। क्या ये पॉइंट चार्ज होगा? हाँ। और वाह, इस पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दे पहले, तो बहुत बढ़िया। इस साइड अबे, अरे सर पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज के पास, रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड, तो दूर, ठीक है सर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही होगी? मान लो डी ई, अरे मान लो रे, अरे छोटी सी बनेगी कि नहीं बनेगी? छोटी सी बनेगी, डी ई मान ली उस डायरेक्शन में, तो भाई तुम मुझे बता सकते हो डी ई की, और ये पूरा माहौल जो हो रहा है वो कहां हो रहा है? एयर में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी? के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मान लो कि मैं छोटा सा जो एक और एलिमेंट काटूंगा वो बिल्कुल कॉर्नर में काट दूं, बिल्कुल कॉर्नर में, छोटा सा कॉर्नर, तो इस पे भी मान लो मैंने इसकी लेंथ डी एक्स और इस पे चार्ज कितना डी क्यू, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, डायरेक्शन बोल अभी भी उस साइड, बहुत बड़े, इसी पॉइंट से इस साइड बन जाएगी, इस पॉइंट से इसी डायरेक्शन। सर आप क्या घुमा रहे हो, आपने ये वाला एरो बीच में बनाया, ये वाला एरो थोड़ा बड़ा बनाया और ये सबसे छोटा बनाया। बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज एज वी इंक्रीज द टाइम। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है, बढ़िया। अच्छा अब क्या करें भाई, अरे बोल दो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी क्यू के कारण इधर, इस डी एक्स के कारण इधर, और इस डी सॉरी यहां पर भी काट दो रे, यहां पर भी काट दो कॉर्नर पे एकदम dx, तो भी उधर, यानी टोटल इलेक्ट इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता है, इंटीग्रेशन तब होता है जब एक ही डायरेक्शन में नॉर्मली हमें स्केलरली प्लस करना हो, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी सारी dE 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 को प्लस कर दूं तो मुझे माहौल मिल जाएगा। यार इंटीग्रेशन नहीं आ रहा क्या? नहीं आता बता दू इसी वीडियो, चलो ठीक है, देखो देखो मजा आ जाएगा, थोड़ा सा बता रहा हूं। मान लो कि ये एक एक्स वर्सेस वाई ग्राफ है, मान लो क्या दिक्कत है, मान लो ना दिक्कत क्या है, मैंने कहा कि ये कुछ ग्राफ था, तो मैंने कहा कि इसके अंदर का एरिया अंडर ग्राफ निकाल दो, एरिया अंडर ग्राफ, तो क्या करते हो, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, इस पूरे का एरिया निकाल लिया, ठीक है सर। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हो गई x2 माइनस x1, ये हो गई y2 माइनस y1, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब बात बताओ, बात बताओ, अब ऐसा कोई शेप आया कि जिसका एरिया निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये कर्व आ गया, मान ले कर्व आ गया, तो कुछ नहीं करना, एरिया अंडर ग्राफ अभी भी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इस पे परपेंडिकुलर मार दूंगा एक्स पर, ये एक्स चल रहा है, ये वाई चल रहा है, अभी खेल लो, ठीक है, ये मान ले वाई वन है और ये वाई टू मान ले, अब एरिया निकाल, कोई शेप ही नहीं है बच्चे, कोई प्रकार का शेप ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, करे क्या, तो कुछ नहीं करा, जो छोटा सा एलिमेंट काटा था यहां पर भी एक छोटी सी स्ट्रिप, बिल्कुल पतली सी, हाँ बहुत बड़ी, बिल्कुल पतली सी एक स्ट्रिप काटो, बहुत पतली सी, जिसकी लेंथ dx और जिसकी जो सॉरी ब्रेथ हो dx और लेंथ हो dy, अबे y सॉरी dy तो नहीं होगी ना, dy छोटा सा नहीं होगा, ये बड़ा होगा, ये लेंथ बड़ा होगा। अच्छा अब ये जो पतली सी स्ट्रिप आई है इसका एरिया निकालना मुश्किल है क्या? अरे नहीं सर, ये तो रेक्टेंगल बनेगा तो कितना होगा y इंटू डी एक्स एरिया वन। अब मैं कह रहा हूं कि एक पतली स्ट्रिप यहां काट ले और एक पतली स्ट्रिप यहां काट लो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? नहीं आए दिक्कत नहीं है, फिर से बना देंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये y1 पर जब काटा dx तो कितना हो गया y1 इंटू डी एक्स वायर, अब एरिया तो प्लस हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी प्लस कर ले y1, फिर y y2 लास्ट वाला है तो मैं करूंगा y3 dx प्लस yn dx अप टू yn dx प्लस लास्ट वाला कौन सा y2 dx और बीच में y dx भी आएगा। आहा सर मजा आ गया, टोटल एरिया आ गया, एरिया अंडर ग्राफ,
ठीक है। अब ये y इंटू डीएक्स जो होता है ना, y इंटू डीएक्स, ये dx इज द छोटा एलिमेंट जो हमने काटा है, बिल्कुल छोटा सा। जब मुझे इसको ऐड करना तो मैंने इस पे ये साइन बनाया, ये साइन जो था वो ये कर्व था जिसको मैं ऐड नहीं कर पा रहा था पहले, अब कर पा रहा हूं इजीली। दिस मेथड इज नोन एज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, जहां मुझे कहीं ना कहीं y की डिपेंडेंसी मिल जाएगी x पर, y x स्क्वायर से होगा, y इज इक्वल टू x की पावर 3 या y इज इक्वल टू x बाय 2, जो भी होगा मुझे डिपेंडेंसी मिल जाएगी फंक्शन की, मिल जाएगी मुझे, मैं निकाल लूंगा। अभी देखो इसमें भी मजा आ जाएगा, देखो y का भी खेलूंगा ना मैं यहाँ, dx x स्क्वायर से डिपेंडेंसी आ जाएगी, मजा आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये जो सांप लौटाया ना, इस पे कर्व बनाया, वो कर्व जो है ना वो इसी y वर्सेस x ग्राफ का है, और वो कर्व जो है वो इंटीग्रेशन का साइन बन गया, क्योंकि मैं कर्व कोई पर्टिकुलर एक शेप साइज नहीं था तो मैंने कर दिया खेल। ठीक है, समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अब तो आ गया होगा, चल मिटा दूं। बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा यार, सारे एरिया को प्लस कर दिया, अब देखो कितना मजा आ गया। इस पर इंटीग्रेशन मार दो, हाँ एक फॉर्मूला होता है, बहुत बढ़िया सा एक फॉर्मूला होता है कि भैया अगर x की पावर n है इंटू dx है तो फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n dx जो होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, c इज द कांस्टेंट, अगर लिमिट ना हो, अगर लिमिट x1 से x2 हो तो ये c नहीं लगेगा, अब लगेगा x1 n की पावर 1 प्लस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, x2 अपॉन n प्लस 1 माइनस x1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, खत्म। अभी अभी समझा देंगे इसको और अच्छे से डिटेल में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये d जीरो से कहां जाएगा लिमिट e तक, भाई पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू करंट, और ये कहां से कहां जाएगा, ये कहां, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, अभी देखो ये कांस्टेंट होगा dq 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 तो q बन जाएगा, मतलब मुझे dq को रिफ्लेस करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं। अब आएगा मजा इसका, अब आएगा डिस्टेंस और उसके साथ। अच्छा तो ये डिस्टेंस कितना है x, ये dx, तो सबसे पहले वाले का कितना है डिस्टेंस ए, सबसे लास्ट वाले का कितना है ए प्लस एल। बहुत बढ़िया सर, लिमिट भी पता चल गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट, अब देखो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डीएक्स, तो इसको मान सकता हूं वन मतलब एक्स की पावर जीरो डीएक्स, फॉर्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फॉर्मूला एक्स की पावर एन की जगह कितना जीरो, एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, आंसर कितना होगा बोले एक्स। तो इंटीग्रेशन वन डॉट डी का कितना होगा ई, और इंटीग्रेशन आ गया ई कहां से कहां तक, जीरो से ई नेट तक, जितना नेट आ रहा है उसका डायरेक्शन अवे। ठीक, अब क्या करें भाई, इसको बाहर निकाल ले कांस्टेंट को, बहुत बढ़िया सर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से लेकर एल प्लस ए तक, मेरी लिमिट कहां से कहां जा रही है लेंथ पर, मेरा चार्ज का लिमिट का फंक्शन नहीं चलता, मुझे डीएक्स चाहिए कहीं ना कहीं से, यानी डी क्यू को रिप्लेस करना है डीएक्स से। अब क्या करें, एक बात बता, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी थी लैम्डा, वो कितना था क्यू बाय एल। अब मैंने छोटी सी लेंथ dx पर कितना चार्ज फैलाया था dq, अबे उसको भी तो लैम्डा ही बोल दूंगा, तो dq की वैल्यू निकाल लो यहां से, dq विल बी इक्वल टू लैम्डा dx, की याद रख लो बस, मजा आ जाएगा। dq को रख दो, प्लेस कर दो, आया ना, आया कुछ नहीं करा, ये dx था, देखो एक बड़ी लेंथ पर कितना था टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाय लेंथ, अब छोटी सी लेंथ पर कितना है dq डिवाइडेड बाय dx, तो डेंसिटी तो बराबर होगी ना, डेंसिटी तो बराबर होगी, तो डेंसिटी कितनी होगी लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dx, लैम्डा बराबर होगा q और बाय l के भी, और लैम्डा बराबर होगा dq अपॉन dx के भी, डेंसिटी कुछ मत करो यहां, प्लेस कर दो dx अपॉन x स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं आसान हो गया है। ठीक है, मुमकिन नामुमकिन तो कुछ नहीं है बच्चों, तुमने अगर ठान लिया कि मुझे क्रैक करना है आईआईटी जेईई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के, लैम्डा भी कांस्टेंट बाहर, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स इंटू ए से लेकर एल प्लस ए या एल ए प्लस है जो भी है, अब क्या करें सर, अरे फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या था एक्स की पावर एन, एन की जगह माइनस टू, अभी देखो खेल लेना एन की जगह माइनस टू, तो फार्मूला क्या होता था एक्स की पावर एन प्लस वन, ये रट लो बेटा दिमाग में बिठा लो। ठीक है, पुट करो के एक्स की पावर एन, तो एन प्लस वन रखो, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, कहां से कहां तक लिमिट जो आएगी वो आएगी ए से लेकर एल प्लस एल तक, ए वन नहीं रहे एल। ठीक है, अब क्या करें सर,
अरे कुछ मत करो, ई नेट की वैल्यू निकालते जाओ, आगे सॉल्व करते हो। मैथ फिजिक्स तो लग गई, फिजिक्स लग गई और मैथ्स काम कर रहे। ई नेट इक्वल टू के लैम्डा एक्स स्क्वायर वन माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, कहां से कहां तक बच्चों, ए से लेकर ए प्लस एल तक। ई नेट निकाल लो, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा। अब इसको मैं क्या लिखूं, माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। अब एक्स की वैल्यू माइनस वन ऊपर तो नीचे ले गया और ये माइनस बाहर निकाल लिया, ए एल प्लस ए तक। अब क्या करना है, कुछ मत करो मेरे प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू के लैम्डा। अब क्या पुट करो, अपर लिमिट माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस वन अपॉन ए। अब क्या हलवा हो गया सवाल, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा की वैल्यू क्यू बाय एल, अभी रख नहीं रहे, माइनस माइनस प्लस पहले लिख दो, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, कहां से कहां तक, कुछ नहीं, अब तो खत्म कर दिया ना सर, लिमिट कहां से, हाँ लिमिट लिख दी थी, बहुत बढ़िया। ई नेट बोलते हो के लैम्डा वन अपॉन, अब इसको एलसीएम लेना तो ले लो, नहीं खत्म कर दो, मैं ले लेता हूं ए इंटू ए। मैं एक चीज प्यारी सी बताने वाला हूं, इधर मल्टीप्लाई करो ए प्लस एल माइनस ए, ऐसे उचक गया, ऐसे उमर गया। ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। अभी ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, व्हेन व्हेन दिस एल एंड दिस ए इज कंपेरेबल, व्हेन दिस एल सॉरी When L and A are comparable। आहा सर ये क्या बोल डाला आपने, हमें तो ऊपर से उचक गया, अभी बता देंगे बेटा, इतना छापो, इतना छापो, ठीक है ये याद रखना, lambda dx। आगे बताते हैं, अब मान लो कि ये बहुत छोटा लेंथ है, मैं dx dl नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत छोटा है और ये पॉइंट कहीं दूर जा रहा है, बहुत दूर, मतलब मैं कहूं कि L के कंपैरिजन में ये पॉइंट बहुत दूर है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये मीटर है एक मीटर, तो वो एक किलोमीटर है या दो किलोमीटर या पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर, वेरी इट इज नॉट कंपेरेबल विथ L, A इज नॉट, मतलब A की वैल्यू कहीं कहीं ज्यादा 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 बड़ी, A इज फार 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 ग्रेटर देन L। तो क्या होगा देखो खेल, व्हेन A इज फार 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 ग्रेटर देन L देन व्हाट हैपेंस, यहां देखो मजा आ जाएगा, जब हम बात करेंगे a इज फार 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 ग्रेटर देन l, देखो तो l की वैल्यू नेगलेक्ट कर दी जाएगी, नेगलेक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे ना, नहीं कर पाएंगे। अच्छा पहले काम करो, लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा की e net इज इक्वल टू, मैं ना कुछ समझाना चाह रहा हूं बस, और कुछ भी बात नहीं है, लैम्डा q बाय l, तो k q बाय l इंटू l, अभी देखो मजा आ जाएगा, a इंटू l प्लस a, एल से एल उचक गया, क्या बचा के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल, अभी देखो मजा आएगा, अभी देखो अगर अगर ऐसा हुआ, सर वो गेट लगा दिया, अगर ऐसा हुआ कि ए प्लस एल नियरली इक्वल टू ए के बराबर ही है, यानी ए प्लस एल टेंड कर गया ए तक, तो क्या हो गया, क्योंकि देखो भाई ये कंपेरेबल ही नहीं है ए और एल, समझ में नहीं आ रहा तुमको, मैं बिल्कुल बहुत प्यारी सी चीज बताने वाला हूं, बिल्कुल बने रहो, के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल की वैल्यू ए ही होगी, तो ए इंटू ए स्क्वायर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अरे ये जो रॉड पे जो मैंने पूरा चार्ज फैलाया था इतना सारा क्यू, वो पॉइंट चार्ज बन गया, जब मैं दूर से देखता हूं, अरे यार तुम सन को दूर से देखते हो तो लगता है ना कि एक छोटा सा बिंदु है, दिखता है ना कि नहीं दिखता, अगर वो पास चले जाओ तो बड़ा सा चीज दिखेगा, अर्थ कितना बड़ा दिखता है, लेकिन दूर जाके देखो तो पॉइंट सा दिखता है, समझ में आ गया, हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखते, मैं पहले ऐसे देखता था कि मैंने अर्थ को ढांक लिया, सन को छुपा लिया, जो भी है मून को छुपा लिया, लेकिन जब मैं जाऊंगा ना उसके पास तो मून को छुपा नहीं पाऊंगा, मून मुझे निगल लेगा, छुपा देगा, तो वो यही चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एल एंड ए आर नॉट कंपेरेबल, मतलब ए इज फार ग्रेटर देन एल, देन एल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, बस यही बताना चाह रहा था और कुछ भी बात नहीं है, यानी पॉइंट चार्ज जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है पॉइंट चार्ज की लेंथ से या साइज से, इसलिए मैं पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिखता था के क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है समझ में आया क्लियर, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा डिस्टरबेंस है बस और कुछ भी नहीं है, चलिए स्टार्ट, अरे अच्छा इंटीग्रेशन समझ में आ गया था,
अरे आ गया था कि नहीं आ गया था, समझ में आ गया था? हाँ, फिर इंटीग्रेशन से ये समझ में आया। एक बार समझाऊं क्या, कुछ नहीं करा, यहाँ पर छोटा सा dx काटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ काटा, यहाँ काटा, सबकी डायरेक्शन सेम आया, तब मैं इंटीग्रेट कर पाया। अगर डायरेक्शन अलग अलग होता तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाता। ये बनी बात है, ठीक है। मैं देख लूँ कितनी लेंथ हो गई है वीडियो की, 20 मिनट। चलिए तो इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करूंगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, रेड वाले बटन को, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स मेरे से जितना पूछने पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम का आपको मैं डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा, मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझाएंगे पुनीत सर, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।